कोरोना एक जानलेवा वायरस है ऐसा सब बता रहे हैं। अभी आई ये बोल रहे कि तुझे क्या इफेक्ट हुआ है उसके बारे में, तो मैंने बोला कि मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वो कोरोना के बारे में कुछ ज्यादा ये नहीं किया है कि सीरियस नहीं लिया। तो अभी बच्चों का स्कूल छुट्टी दे दिया, उनका एग्जाम्स कैंसिल कर दिया, ये सब हुआ तो मुझे लगा कि इतना डेंजरस है। तो हमारे बेलगाम में तो उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी छुट्टी वगैरह तो बच्चों को दिया है, स्कूल मतलब सब कैंसिल कर दिया, जैसे कि एग्जाम्स वगैरह। अभी बच्चे घर में हैं तो लोगों को और ज्यादा डराना हो गया हो कि ये सब कैसे हो गया है, तो उसके बारे में आप ही बता दो। हम तो कॉल और करने करते हैं वैसा ही कर रहे हैं ना कॉल। कोरोना और सांप के बारे में एक समानता है, और उस धागे को पकड़ के हमें वीडियो बनाना चाहते थे। गलतफहमी, अफवाह, जैसे कि सांप की जानकारी और उसके बारे में जो सच्चाई लोगों तक पहुंचे, और गलतफहमी, अज्ञान, अंधविश्वास के जो जो भी नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए, जीवित हानि हो रही है, जैसे सांपों को मारने का कारण, और सांप काटने के बाद, काटने के साथ फर्स्ट एड और अस्पताल में जाने तक जो भी हम गलतियां करते हैं उसको रोकने के लिए जो भी किया जा सकता है वो हम करते हैं। आप ऐसा कह सकते कि आपको तो कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक ऐसे ही आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेज आ रहे हैं, आप खुद अपना दिमाग लगाकर, अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर ये जो कुछ बता रहे हैं इनको एक ऐसे पता है, और इसके किस बेस पर वो बता रहे हैं कि ऐसा करने से, वैसा करने से ऐसा और होता है। कुछ लोग एक प्याज लीजिए, प्याज खाइए नमक लगा के, 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, ये गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा है। अगर सच में ऐसा होता तो गवर्नमेंट लोगों में चलाता था और लाखों लोगों को डरने की जरूरत नहीं होती थी, जो आगे खतरनाक बनने वाली जो बीमारी मंडरा रही है और पूरी दुनिया उसके चपेट में आ रही है। तो उस गलतफहमी के बारे में आपसे हम रूबरू करना चाहते हैं। बहुत सारी जानकारी जो विशेषज्ञ है दे रहे हैं, बल्कि मेजॉरिटी बन जाती है, इतने सारे लोग कह रहे हैं इसलिए। हाँ वो सच है, ऐसा नहीं होता है, सच सच होता है, और कितना भी ढिंढोरा पीट के कितने भी लोग कहते हैं तो भी उसको झूठ साबित नहीं कर सकते, उसी तरह झूठ को सच भी साबित नहीं कर सकते। मास्क सिर्फ जो मरीज है उनके लिए जरूरी है। आमतौर पर आप जो मास्क मास्क पहनते हैं वो किसी भी वायरस को नहीं रोक सकता, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। आने वाले वक्त में उसके ऊपर वैक्सीन, दवाई, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, वो आएगी। तब तक हमें गलतफहमी, अफवाहों के साथ डरना नहीं है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए जो जरूरी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश प्रेमी होने के नाते, खुद खुद को ना हो, परिवार को ना हो, साथ में दूसरों को इसका इफेक्ट ना हो, और जिनको भी हुआ है वो भी जिम्मेदारी से दूसरों को किस तरह से बचाया जा सकता है वो भी बहुत जरूरी है। और दूसरे देश भी अपने अपने तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे देश में इसको ज्यादा ना फैले इसके लिए जो जरूरी है, भीड़ से वो ज्यादा फैलता है, छींक खांसी हो उसको ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, और नाक मुंह हाथ वगैरह धोना ये सब वगैरह। लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो आपके जरूरी है तभी आप निकले, और जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है या भारत सरकार जो भी आपको सूचित किया जाता है उनके अनुसार उसको रोकने के लिए आप कोशिश करें। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बीमारी से अगर दवाई खतरनाक बन जाती है तो ज्यादा खतरनाक हो जा ये विषय खतरनाक बन जाता है। तो लोग जो भी कह रहे हैं वो आप सच में गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कहा है, ये जो भी कह रहे हैं उनको कैसे पता, जिनको भी जानकारी इसके बारे में नहीं है उनकी बातें सुनकर गलत इलाज कर कर अपनी जान खतरे में ना डाले,
इसके लिए कोशिश थी कि आप कोरोना से हमें लड़ना है, सबको लड़ना है और उसको हराना है, तो हमें उसके सच में क्या है कोरोना वो जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम एक लिंक भी डाल रहे हैं, उसकी जानकारी सही में डॉक्टर जो दे रहे हैं, हमने कहते कि उनको फॉलो करो, लेकिन सच्चाई से रूबरू कर रहे हैं उसके वो विशेषज्ञ हैं और हम नहीं हैं, इसलिए उनके उनकी जो बातें हैं आप तक पहुंचाना हम जरूरी मानते हैं। बहुत सारी बातें हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आ रहे हैं, हम उनको सीधा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और कोरोना पर ये इलाज है वो इलाज है, ये सरकार क्यों नहीं कह रहे, जो भी कौन कह रहे हैं वो विशेषज्ञ है क्या, ये जांचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बिना वजह डरना और डराना ये गलत है और कुछ लोगों पर ये छुपाने के साथ गलत फहमी और अफवाहें फैलने वालों पर केस भी दर्ज की जा रही है। अज्ञान हम पे हावी हो के उसका ज्यादा नुकसान ना हो, वही हम कर सकते हैं। हम कोई कोरोना के डॉक्टर नहीं है या कोरोना के ऊपर हम दवाई देने वाले नहीं है, तो इतना तो कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए ये कोशिश थी हमारी। उम्मीद है आपको जो भी हमने है उस पर आप गहराई से सोचेंगे और कोरोना से बचने के लिए खुद के साथ समाज एक जिम्मेदारी नागरिक बन के, देशप्रेमी नागरिक बन के इसको मिटाने के लिए, उसको हमारे देश से मुक्ति दिलाने के लिए सब हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।